सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं एक और पुराना न्यू वीडियो के साथ। सो आज हम खेलने जाने पर थे फेक पिक्सल स्काई भी लोग। बाकी मुझे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि भाई डार्क ऑक्शन की वीडियो लाओ फेक पिक्सल की, तो बहुत जल्दी आ जाएगी उसकी, क्योंकि यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, डार्क ऑक्शन बंद हो जाता है। तो मैं ज़्यादा अगर रात में खेलता हूँ, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा लैग होता है, सर्वर आपको पता ही होगा। बाकी सैड न्यूज़ है SMP की, जो मैंने बोला था 1K स्पेशल, तो वो SMP अभी कैंसिल हो गई है यार, थोड़े इश्यूज़ हो गए, क्योंकि भाई सच बात अभी अपनी औकात से बाहर है SMP, और जो इसका अभी लुक सर्वर वगैरह का सोच रहा था मैं वो, तो बाद में देखेंगे उसका, बाकी देखते हैं जो भी होगा। बाकी हाँ, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। सो आज हम वैसे तो पंपकिन फार्म वगैरह बनाएंगे, वो तो आपको दिख ही जाएगा, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ सबसे पहले तो अपना जो काओ मिनियन वगैरह है ना, तो ये पहले मैं रख देता हूँ यार, ये भूखे सूखे। मैं भाई यहाँ खोल लाते खुली नहीं रहती, पत्नी क्या गिलीच हो गया था, तो बाद में खोल लेते हैं। मैंने कहा पहले जल्दी से मतलब सारे काओ मिनियन खाली कर लेते, क्योंकि मेरे को ना जो एंड वाला बैक पैक है ना वो करना है, ताकि फिर हम जम्बो बैक पैक बना सकें उसका, जो कि उसकी स्लॉट 45 कुछ होती है ना, बड़ी स्लॉट, तो अच्छी बात है ना यार ये। तो हाँ इसलिए तो जल्दी से जम्बो बैकपैक का करते हैं सेटिंग, तो इसलिए मैं ये कर रहा था। अब देखते हैं कब तक के अपना लोग होता है बैकपैक, फिर काउ मिनियन हटा देंगे। तो हाँ, तो सॉरी पहले वॉइस ओवर रुकी हूँ, थोड़ा छत पे बैठा हूँ, तो इसलिए हो सकता है मैं भी आपको हवा वगैरह का शोर है। बाकी ये भाई जानवरों का बहुत शोर है वाले, ये जो शीप है और काओ का। तो हाँ, बाकी स्पाइडर अपने यहाँ भी कलेक्ट करते हैं और देखते हैं। बाकी यहाँ पे मेरे 3 से 4 चेस्ट फुल हुए हुए हैं हॉर्स पेट से, तो वो एक येरी और एक ये वाली भी है और एक छोटी वाली, तो हॉल में 3 से 4 अपनी ना चेस्ट से फुल हुई हुई हैं। तो हाँ, मैंने इसका गिव अवे भी किया था, जो विनर्स हैं भाई टेंशन नहीं, उससे ज़्यादा ही पेट दे दूँगा मैं 20 से ज़्यादा। बाकी जल्दी से लीपिंग की नहीं है, मैं अपनी ग्राइंडिंग कर रहा था, तो हाँ फाइनली आज अपनी मैं भी हो सकता है लीपिंग अनलॉक हो जाए, तो देखते हैं कितना कितना नहीं। फिर स्पाइडर मिनियन भी हटा देंगे, तो मैं सोच रहा हूँ रेड स्टोन मिनियन कुछ लगाऊंगा, क्योंकि उससे एक्सेसरी बैग अपने अनलॉक हो जाएंगे, ताकि ना हम टेलीस्मैन वगैरह उसमें रख सकें। तो उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं कलेक्ट। बाकी मुझे एक बंदे ने बोला है वो ना क्रैक सर्वर मुझे बना के दे सकता, लेकिन उसके लिए भाई इंडियन ना मतलब उनने बोला 500 रुपये कुछ देने पड़ेंगे। सो भाई अब मैं तो पाकिस्तान से दे ही नहीं सकता, थोड़ी मसले मसाइल होंगे। सो अभी तो मैंने उसको भाई मना ही करा है, क्योंकि अभी तो नहीं है अपने पास, फिर बाद में देखेंगे, और महीना कुछ उसने कहा टाइम लगेगा उसको बनाने में, तो हाँ फिर उसको बाद में देखेंगे। तो अभी मैंने ये SMP सबको रोक दिया, देखते हैं बाद में जो भी होता है यार, क्योंकि अभी देखो अपने बस का नहीं है ये। तो हाँ, तो सॉरी भाई लोग बार बार वॉइस ओवर रोकनी पड़ रही, छत पर बैठा हूँ, तो भाई पता नहीं है जहाज़ वहाज़ क्यों इतने जा रहे हैं, इनकी क्या पोपी वोपी भाग गई, तो कोई ना खैर वाली बात है, तो अपना काम करते हैं। बाकी यहाँ मैं देख रहा था अपना बिल्डर वॉन्ड वगैरह ना, और इन्फिनिटी डर्ट वॉन्ड, तो हाँ मैंने वो तो ले लिया था बास्केट ऑफ सीड, जिसमें पंकिन की सीड वगैरह रखनी होगी। बाकी बार बार हॉर्स पे मैं बैठे जा रहा था, तो कहीं नहीं, और देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से ना अपना, और वो चाहिए थी मुझे हो ही जो 5x5 का एरिया है ना करती है, मतलब हार्वेस्ट वगैरह करती है, तो वो मुझे मिली नहीं, तो फिर मैंने कहा शायद चेस में अपने होगी, क्योंकि मैंने उसमें ही रखी हुई थी। सो यहाँ पे बिल्डर वॉन्ड तो थी, लेकिन मैं पहले वो देख रहा था, तो देख लेते हैं। सो हाँ फाइनली नीचे की तरफ वो पड़ी हुई है, दिख गई होगी आपको, सो ये भी अपनी हुई, सो इसको ले लेते हैं। मैंने इसको भी फुल एपिक बनाया भाई, वैसे होती है रेयर है, तो इसमें वो लगाया था रिकॉम्पैक्टर, तो ये एपिक हो गई। तो चलो अपना आधा काम तो हो गया, बिल्डर वॉन्ड चाहिए वो भी ले लेंगे, उससे पहले अपने थोड़े यहाँ से ब्लॉक ले लेते हैं, क्योंकि नीचे का रास्ता बनाना है हमने, फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये भी बताना नेक्स्ट फार्म हम कौन सा बनाएं इसके बाद, सो वो भी बनाएंगे। बाकी हाँ देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ से मैंने बिल्डर वॉन्ड भी ले ली थी अपनी, तो फिर उसके बाद अपना निकलते हैं नीचे। उससे पहले मैंने कहा भाई ये अपना हॉर्स पैड को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये दिक्कत देगा, बार बार स्पॉन होता रहेगा, तो मसले मसाइल आएंगे। बाकी ये भाई इन्वाइट करते रहते, अभी देखो मैं इतना पैसा है नहीं भाई, मैं क्या ही दूँ, ये 200 मिलियन इसमें कुछ भी नहीं होता, अगर आपको पता ही हो फेक पिक चले भाई, इसमें 200 मिलियन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यार मैं अभी पैसे वैसे नहीं दे सकता। बाकी भाई बहुत से लोग यार फालतू का हेड कर रहे होते, तो यार नहीं क्या करो, अगर हेड करना ही होता है तो भाई फिर भिखारी बनना नहीं क्या करो, पहले आते हैं वो पैसे मांगते, अगर पैसे ना दो तो फिर नूबड़ी के हेड पे लाने लग जाते हैं कि 6x6 ऐसा है वैसा है,
पता होगा नहीं अब्बू के बारे में, लेकिन नहीं अब्बू की गलत बुराइयां करते हैं। सो यार देखो गुस्सा आता है फालतू का यार, तो मुझे नहीं पसंद देखो ऐसी चीज़ें, ना मैं किसी को गाली देता हूँ, ना मुझे पसंद है कि कोई गाली दे मुझे। तो हाँ भाई रिस्पेक्ट किया करो ताकि तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिले। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, जो हेटर्स लोग हैं ना नूबड़ी के आ जाते, अभी क्या बोले इंसान ऐसे बकवास लोगों को, तो उनके नहीं होता है मैसेज। बस देखो इज्जत चाहिए तो इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, वरना जलील करना हमें भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद ही यार कुछ कहता नहीं है मैं, वरना यार देखो अपने सब्सक्राइबर पे थोड़ा वो पड़ेगा सर कि वो क्या सोचेंगे अपने बारे में, तो इसलिए यार कोई गाली वाली भी देता मैं इग्नोर करता रहता हूँ। तो यार अब देखो हद से बाहर होता है यार है। कल भी एक बंदा फेक पिक्सल में फालतू की गाली दे रहा था, यकीन मानो चाहो तो मैं बैन करवा सकता हूँ नूबड़ी के को, 2 सेकंड का काम है बैन करवाना, उसकी सोच भी नहीं है कि वो दोबारा कभी खेल पाएगा, ऐसा बैन करवाऊँगा उसको मैं। लेकिन यार छोड़ो, मैं कहता हूँ यार देखो गेम है, गेम की हद तक इंसान रखे, इसे क्या सीरियस होना है इसमें, लोग नहीं समझते ये चीज़। देखो यूट्यूब रैंक ऐसे तो नहीं मिली भी ना, हाँ वो अलग बात है, देखो VIP उनकी बात चलती है, तो अपने VIP और MVP वाले भी अच्छे खाते दोस्त हैं, एक कहने पे सालों को ऐसा बैन दूंगा, इनकी ज़िंदगी भर याद रखेंगे नूबड़ी के बैनों के, इनका मोबाइल से इनकी IP बैन हो जाएगी, कभी खेल ही नहीं पाएंगे फेक पिक्सल, जो ये होशियारी मारते ना इतनी। तो ये हेटर हो गया, नहीं था मैसेज, हेल्पर वेल्पर सब हैं अपने फ्रेंड। तो हाँ नेक्स्ट टाइम भाई हेड करने से पहले सोच लेना, फालतू में देखो ज़्यादा मेरा दिमाग घूमा तो बैन वैन करा दूंगा मैं बिना किसी आश्रय के भाई, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो या ना हो। तो यार प्लीज़ फालतू का ना किया करो, फिर देखो एक बंदा करता है फिर उसको देख के दूसरे आ जाते, उसके चमचे गिरे बन के हाँ तू सही बोल रहा है, फिर उसके तीसरे आ जाते। तो यार मुझे देखो ऐसी चीज़ें नहीं पसंद भाई, मैं ना किसी से कोई गलत बात करता हूँ, तो प्लीज़ यार कोई मुझसे भी ना गलत बात किया करो ना भाई। देखो मैंने आपका खाया हुआ है ना आपने मेरा खाया हुआ है, तो ना आपका हक बनता है मुझे गलत कहने का, ना मेरा हक बनता है आपको गलत कहने का, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, तो हेड वेड ना किया करो, बाकी आपकी मर्ज़ी भाई जैसा आपको ठीक लगता है यार, मुझे देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाली देते हो आपका मुँह गंदा होता है, मेरे को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता। सो बस मैं इतना ही बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी भाई, देना गाली देते रहो आई डोंट केयर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो अपना वीडियो पे कंटिन्यू रखते हैं, बहुत हो गई हेटरों की बात, बस यार थोड़ा गुस्सा आया भाई फालतू के यार दिमाग घुमा देते ना कोई ना। बाकी यहाँ पे मैंने सेटअप ना ऐसा किया था, पिछली बार आपको याद होगा हाईपिक्सल में अपने से गलती हो गई थी तो डबल मेहनत लगी थी, लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं होने दी, सेम वैसे ही करके बहुत बड़ा फार्म बनाएंगे। सो हाँ वीडियो एंड तक देखना यार, मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म बनने वाला है अपना। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, सबसे ज़्यादा टाइम लगा था वाटर बनने में, क्योंकि इसमें वो पंप वम्प वगैरह नहीं होता और मैजिकल वाटर बकेट भी इतना गिलीच है इसमें, सो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पानी बनने में इतने बड़े फार्म में, आप देख लेना भाई दिक्कत है। वैसे तो मैं पूरा उसे कर रखूँगा सीन भाई, बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ पानी भरने में लगा था मुझे, बाकी किसी चीज़ में मुझे दिक्कत नहीं आई, सिर्फ पानी भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। सो हाँ खैर है पता रहता है, तो चलो अपना ये तो हो गया, अब अपने को पानी वानी चाहिए, मैजिकल वाटर बकेट अब इधर का थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उस तरफ का तो मैंने कर लिया था ना जितना आइलैंड की लिमिट है, मतलब पूरी लिमिट नहीं की मैंने, एक साइड की लिमिट पूरी हो गई थी, बाकी तीनों साइड पे थी जगह, सो उनको मैंने अभी छोड़ दिया, मैंने कहा अभी के नहीं इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि देखो हालत ख़राब हो जाती है भाई फार्म वार्म बनाने में, और इतना बड़ा फार्म है आप देखोगे तो आप समझ जाओगे भाई, अगर आप 32 चंक करके भी देखोगे ना मोबाइल में फिर भी पूरा फार्म नहीं दिखेगा, ये चीज़ मैं पहले ही देख चुका हूँ, तो आप भी वैसे ट्राई कर लेना लेकिन दिखेगा नहीं भाई जितना मुझे पता, देख रहे हो मैंने हालांकि इतने चंक बढ़ाए हुए 24 से भी ज़्यादा चंक हैं, लेकिन फिर भी पूरा फार्म नहीं दिख रहा। तो हाँ बनाया है कुछ बड़ा, उसके बाद मैंने और भी बड़ा किया इसको कि देखो जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर जब इसको काटेंगे सारा पम्पकिन तो एक ही बारी में अपना 1-2 लाख पम्पकिन निकल जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया था, यहाँ रेसिपी देखी मैंने मैजिकल वाटर बकेट की जो कि आइस में होती है, तो यहाँ पे देख ली थी रेसिपी, तो चलो एक मतलब 3 आयरन और 1 इंचार्टी ले लेते हैं, मुझे पहले लगा एक ही वाटर बकेट में ना काम हो जाएगा, लेकिन यकीन मानो मेरे यहाँ पे 16 16 16 कम से कम 64 वाटर बकेट लग गई थी इंचार्टेड वाली, वो भी मैजिकल ना भाई, ये भी ज़ाया हो जाती है पत्नी क्या ही गलीच है, लेकिन हाँ ये ज़ाया हो जाती है, दिक्कत वाली बात है इसमें भी भाई, क्योंकि इसी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो रहा था बार बार बनाना ये करना। पहले देखो मैंने एक बनाई थी
मुझे नहीं पता था ये गिलीच होती है, लेकिन हाँ ये भाई गिलीच होती है बहुत ज़्यादा। सो ये एक तो बन गई थी, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये गिलीच भी कैसे होती है भाई। तो चलते हैं, उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं अपने ना। मैं ऐसे ही मतलब देख रहा था जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए था, उसके बाद मैंने ना वो बाय कर लिए थे सीलेंटन, क्योंकि यहाँ से पानी पाना इसके लिए मैं लगा रहा था हाथ का सीलेंटन, क्योंकि पानी पानी आएगा तो सही रहेगा, वरना पानी भर आएगा दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, सो इग्नोर मानना उसे। तो चलो जल्दी से अब इसको सेटअप मार दिया, अब देखो पानी में दिखाता हूँ। सो भाई ये देखो, पहले तो यहाँ पर अटक गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या वाटर आया हो गई, लेकिन फिर वाटर ना आ गई थी, मैंने स्टार खोल के बंद किया तो ये आ गई। फिर भाई इसके बाद ऐसे ही मैंने करा तो ये आती जा रही थी, लेकिन जाते जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जाके भाई ये ना वाटर ख़त्म हो गई थी, देख रहे हो। अब मुझे वहाँ से भर के उठानी पड़ेगी। तो यार ये गिली जितने हो रहे थे भाई, एक लाइन में ही चार पाँच वाटर लगे जा रही थी, किसी किसी में एक में ही नहीं पट रहा था। तो यहाँ मैंने भाई फिर बहुत ज़्यादा बना ली थी, ये तो भाई कुछ भी नहीं, इसके बाद भी तीन से चार बार और बनानी पड़ी थी मुझे ज़्यादा। तो हाँ दिक्कत वाली बात थी, जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं थोड़ी कम कम बना रहा था, वरना मैं एक ही बार बहुत ज़्यादा बना लेता। सो फाइनली इतनी ज़्यादा वाटर बकेट हमने बर्बाद करने के बाद अपना भर गया था पानी। अब इसको करते हैं हुई जल्दी से, तो चलो स्पीड मारते हैं। ये तो देखो 2 सेकंड का काम है, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, और जो छूट जाएगा वो एंड में हम सेटअप मार देंगे उसका। तो हाँ इसको जल्दी से मार दे, बाकी हाँ यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार जल्दी से एक लाइक का बटन दबा दो, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 1100 सब्सक्राइबर के। और लव यू यार, इतना सपोर्ट दिखाने के नहीं है। बाकी Q&A वीडियो पर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों। बाकी हाँ फर्स्ट Q&A था वही भाई, सपोर्ट नहीं मिला, तो नहीं भी हो सकता है। Q&A बहुत कम आया, क्योंकि देखो इतना आई थिंक लोगों को नहीं पसंद आया Q&A। मैंने ट्राई किया, पसंद आया, लेकिन नहीं आया तो भाई नहीं आया, मेरी गलती नहीं है। बाकी पीछे ठोकम सकी का शोर आ रहा होगा, तो इग्नोर करना, मैंने बताया था भाई की शादी को उसका घर बनना है, तो उसके ज़रा किचन के ना बॉक्सेस वगैरह बनने, तो उधर ही थोड़ा काम चल रहा है, तो उसी चीज़ का शोर है। अब क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद अपना भी थोड़ा रूम का सेटअप हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो फिर मैं भी हो सकता है शोर वगैरह ना आए। बाकी फाइनली यहाँ पे जाके अपना डन होने वाला था काम, लेकिन यहाँ मेरा भाई नेट नशे कर गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं चल रहा था ना, फिर भाई एकदम ही चला, फिर मुझे ना आवाज़ आई, मैंने कहा लो भाई, मतलब एकदम ही चला नेट, यहाँ पे सब कुछ खुल गया था एकदम ही ना, और वो भी लग गई थी सीड वेट, तो हाँ ये हो गया था। फिर यहाँ पर भी मैंने लगा दिया, इसके बाद ये जो दो रह गए थे फाइनल, इनको लगा के फिर मैं ऊपर से देख रहा था जो भी एरिया ना अपना रह गया था हुई वगैरह करना, तो उसको जल्दी से कर लेते हैं। सो मैं यहाँ से जा रहा था, तो भाई देख रहे हो कितना बड़ा फार्म है आपके सामने, ये देख रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा फार्म बनाया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसमें, आप लोग आइलैंड पे आके देख लेना, आप समझ जाओगे कितना बड़ा फार्म है ना अपना। सो फाइनली अपना ऑलमोस्ट काम हो गया था, और ये जो थोड़ी जगह रह गई थी इसको भी मैंने सेट कर दिया था, और जितनी भी जगह थी वो भी देख लेते हैं, जो भी अपने रह गई होगी ना एरिया, तो उसको ही करके सीड लगा देते हैं उस पर जल्दी जल्दी से, ताकि दिक्कत ना आए कोई भी हमें। तो ये भी हो गई थी थोड़ी सी जगह थी, और जो अब जगह रह गई वो भी देख लेते हैं। सो आई थिंक अब तो कोई जगह नहीं रह गई, हाँ वैसे तो दिख तो नहीं रही मुझे, अगर दिख गई तो मैं उसको सेट कर लूँगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ये भी फाइनली अपना डन हो गया था। सो चलो भाई लोग, आज की वीडियो में यही था, जानता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं किया, फार्म ही बनाया, उसमें भाई बहुत टाइम लगता है, और तो यही बोलूँगा बहुत ज़्यादा कुछ किया है भाई, क्योंकि फार्म में टाइम लगता है। और मुझे बताओ डाउट ऑप्शन की आपको वीडियो चाहिए तो मैं ले आऊँगा, और कहाँ से देख सकते हो आप कब टायर आग शोकरन ऑन होता है कब नहीं, अगर नहीं पता हो आपको वो भी मैं बता दूंगा। बस चैनल पे बने रहो यार, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, और जल्दी से जाओ, मेगा गिव अवे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका, मैं जाके गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, मेरे डिस्कॉर्ड में जाना, गिव अवे वाले चैनल में जाना, वहाँ बॉट सेट है, बस उस पर एक रिएक्ट कर देना, आप हो जाओगे गिव अवे में एंटर, और जब आप विन करोगे तो उसके बाद ही मैं सब बता दूंगा कि आपको अकाउंट के लिए क्या करना है क्या नहीं। सो हाँ जल्दी से, बाकी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए अकाउंट विन करने का। बाकी फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत ज़्यादा करीब है, मैंने बताया आपको 1100 के। सो चलो टाटा बाय, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना भाई लोग।